नमस्कार, आप सभी का मैं इंग्लिश दर्पण के चैनल इंग्लिश बाय प्रदीप सर पे स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक मैं बात छोटी सी बात आपको बता दूँ कि आज कल जो मैं वीडियोस को डाल रहा हूँ वो रूटीन से आपके इस चैनल पे आती रहेंगी। इसी के साथ साथ इन वीडियोस की कैटेगरीज क्या रहने वाली हैं वो भी मैं आपके दिमाग में डाल दूँ। हमारी ये वीडियोस या तो वोकेबलरी बेस्ड होंगी, या आपके स्पोकन को अच्छा करने के लिए होगी, या आपके ग्रामर के जो कंसेप्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं इनको करने के लिए होंगी। अच्छी बात क्या है कि इस चैनल पे वीडियो एक नहीं पर दिन में 2 से 3 वीडियोस तक इसमें आएंगी। इसका मतलब आपके पास दिन में काम करने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत सा मटेरियल आपको मिलता रहेगा इन वीडियोज के थ्रू। आज मैं एक वीडियो को शुरू करने से पहले एक हल्का सा एक सेकेंड का एक या एक 2-4 सेकेंड का एक इंट्रोडक्शन दे दूं। ये वीडियो हमारी वोकेबलरी बेस्ड होगी। इसका मतलब इस वीडियो के जरिए मैं आपको उन वर्ड्स के बारे में बताऊंगा जिन वर्ड्स के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं और सुना भी नहीं, पर हाँ वो सारे के सारे शब्द आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। आप डे टू डे लाइफ में उन शब्दों को बहुत ज्यादा बोलते हैं। अब मैं चाहता हूं कि उनका सटीक मीनिंग आपको पता चले और दूसरा उनका सही यूज भी आपको आना चाहिए। इसका मतलब आज के समय एक जो प्रॉब्लम है, बच्चे को वर्ड्स तो याद हैं पर वो कैसे अप्लाई करने हैं वो नहीं आता। पर मेरी ये वीडियोस आपको ये भी सिखाएंगी, कम सीखो पर अच्छा सीखो, ऐसा सीखो जो जिंदगी भर आपके काम आए। ऐसी भी नॉलेज क्या नॉलेज, या ऐसी भी डिग्री क्या डिग्री जो आपने ले ली पर आपको जॉब नहीं दिला पा रही। एक नॉलेज आपने ले ली पर उसका आप यूज नहीं कर पा रहे, तो यहां से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है। ज्ञान ऐसा लीजिए जो आपके काम आए। अब मैं शुरू करता हूं। वोकैबुलरी देखिए क्या है कि किसी भी वर्ड को अगर आप समझें तो उस वर्ड को समझते वक्त एक ये विशेषकर ध्यान दें कि वर्ड समझने के बाद वो कैसे लिखा जाएगा या कैसे उसको यूज करना है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो मैं आपको सिखाऊंगा। मैं पहला वर्ड आपके सामने लेके आता हूं, कोई भी एक वर्ड से शुरू करता हूं। लेट्स स्टार्ट। पहला वर्ड आज का मैं शुरू करता हूं, वर्ड है हमारे पास इमैक्यूलेट। इसका स्पेलिंग मैं प्रोनाउंस कर दूं आपके लिए, मैं इसको रीड आउट कर देता हूं, IMMACULATE, इमैक्यूलेट। अच्छी बात क्या है कि आप इसका मीनिंग जानने से पहले आप ये जानने की कोशिश करें कि इसे इंग्लिश में किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। ये इंग्लिश में एक एडजेक्टिव है। अगर मैं आपके सामने एडजेक्टिव बोलता हूं तो एडजेक्टिव का मतलब क्या है एक लाइन में समझना। एक ऐसा शब्द जो आपके आसपास दिखने वाले व्यक्ति और चीजों की विशेषता बताता हो, मतलब आपको ये बताता हो कि वो कौन व्यक्ति है, कैसा है, यानी कि उसकी पहचान कराता, उस व्यक्ति के बारे में कुछ एक्स्ट्रा उसकी विशेषता बताए, ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। अब मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूं बेटा, बड़े ध्यान से सुनो। ये दो मीनिंग रखता है, ये दो तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। इसका पहला मैं तरीका आपको बताता हूं, देखिए क्या। जब आपके आसपास जब चीजें नीट एंड क्लीन होती हैं, नीट एंड क्लीन से मेरा मतलब क्या है, जैसे इस बोर्ड पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे कुछ नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरा है। चीजों का बिल्कुल साफ होना इमैक्यूलेट है। जिसे आप नीट एंड क्लीन बोलते उसी को आप इमैक्यूलेट बोल सकते हैं। दूसरी बात, इसका सेकंड मीनिंग जो आता है वो आता है कि जिसमें कोई कमी नहीं है, यानी कि कोई भी मिस्टेक जिस चीज में नहीं है वो भी चीजें इमैक्यूलेट होती हैं। अब मैं इसको यूज करके दिखाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनो। किसी भी एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव को जब आप यूज करेंगे तो आप उसको कैसे यूज करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें और समझ के देखते हैं बेटा। देखिए मैं सेंटेंस बोलता हूं, माय, ये सेंटेंस आपको बोलने भी बेटा और लिखने भी है। माय हाउस इज इमैक्यूलेट, यानी कि मेरा जो मकान है वो कैसा है, साफ सुथरा है, यानी कि मेरे मकान में किसी भी तरीके की गंदगी नहीं फैली हुई है। और जहां पर गंदगी नहीं होती, साफ सुथरा होता है, उसे इंग्लिश में इमैक्यूलेट कहते हैं। जैसे मैं एक और संदेश आपके सामने बोलता हूं, बड़े ध्यान से देखना। मैंने कहा योर परफॉर्मेंस वॉज इमैक्यूलेट, यानी कि आपका जो परफॉर्मेंस था वो कैसा था, इमैक्यूलेट था, आपके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी। अब देखिए मैंने क्या किया बेटा जी, जब मैं विशेषता बता रहा था किसी व्यक्ति की तो मुझे एक बड़ी दिक्कत आई, मुझे एक सेंटेंस में वर्ब चाहिए थी, मेरे पास वर्ब नहीं थी तो मैंने बी की वर्ब लगा दी। आपको ध्यान से सीखना चाहिए कि मैंने इस क्यों लगाया, ये आपको ऑलरेडी आता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं आपके सामने कहता हूं आए और आए के बाद मैं कहता हूं फाइन, तो क्या ये सेंटेंस है, ये बिल्कुल भी सेंटेंस नहीं है। मैं सही हूं, आई फाइन, ये कोई सेंटेंस नहीं है, पर जैसे मैंने इसमें एम लगाया तो आपको लगता होगा कि अब एक सेंटेंस है।
क्यों लगा आपको? क्योंकि एक सेंटेंस को बनाने के लिए कोई ना कोई एक ऐसी वर्ब चाहिए जिससे आपको यह पता चले कि किस समय की मैं बात कर रहा हूं। और विशेषता दिखाने वाले शब्द विशेषता दिखाते पर समय नहीं दिखाते, इसलिए विशेषता दिखाने वाले शब्दों के साथ आपको अलग से एक वर्ब चाहिए जो बहुत सारी वर्ब्स में से एक है बी। कल मैंने स्पीकिंग का जो पहला स्पोकन का क्लास डाला था उसमें यह बताने की कोशिश की थी कि कैसे एक एजेटिव यानी कि एडजेक्टिव को सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो अब पहली बात सीखिए, मैंने आपके सामने एक विशेषता दिखाने वाला शब्द सिखाया जिसका नाम है इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब किसी भी व्यक्ति की कोई भी चीज है जिसमें कोई कमी नहीं है या फिर कोई चीज साफ सुथरी है तो उसे इंग्लिश में हम इमैक्युलेट कहते हैं। इसके सिनोनिम्स मैं ज्यादा नहीं, एक एक दो दो वर्ड दूंगा बेटा, इतने ही दूंगा जितने आप याद कर पाए। इमैक्युलेट का एक सिनोनिम मैं चाहता हूं कि आप इसके साथ साथ याद करें। इस सिनोनिम को देखिए क्या याद करेंगे आप, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक सिनोनिम डालता हूं बच्चों। सिनोनिम देखिए, इसमें अनसलिड, अनसलिड, अनसलिड क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, पर एक एक वर्ड और मेरे मन में आ रहा है बड़ा यूज होता है, प्रिस्टाइन। एक वर्ड यूज होता है इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं प्रिस्टाइन। एक वर्ड है प्रिस्टाइन और एक है अनसलिड। मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर मैं दो सेंटेंस बोलूं, अब उसे बड़े ध्यान से देखना। किसी भी वर्ड को याद रखना है तो उसे प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ लो। आपको कोई भी चीज साफ सुथरी दिखाई दे बोलो, क्लीन मत बोलो, इमैक्युलेट बोलो, आपकी भाषा का विस्तार होगा। आपको कुछ ऐसे शब्द पता चलेंगे जो आपने जीवन में पहले नहीं सुने थे, नहीं सोचे थे, उनका यूसेज आपको एक स्ट्रांगनेस फील कराएगा कि आप कभी भी इंग्लिश में अच्छे वर्ड्स को यूज करते वक्त कभी घबराएंगे नहीं। तो देखिए मैंने क्या लिखा आपके सामने, अनसलिड, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व पर किसी भी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पर्सनैलिटी के आधार पर बिल्कुल साफ सुथरा आदमी है, जिसके ऊपर कोई कलंक नहीं, कोई कोई दाब धब्बा नहीं है, ऐसे लोगों को इंग्लिश में अनसलिड कहते हैं। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा सेंटेंस बोलता हूं, सुनना, हमारे एक प्रधानमंत्री हुए हैं उनके बारे में मैं बोलता हूं। अगर मैं कहूं उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी वॉज अनसलिड। सर ध्यान से सुनो, मैं एक सेंटेंस फिर बोलता हूं बेटा जी, अटल बिहारी वाजपेयी वॉज एन अनसलिड पर्सनैलिटी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके ऊपर किसी तरीके का कोई दाग धब्बा नहीं था, विपक्ष भी उनकी तारीफ करता था, विदेशों में भेजता था। एक प्रिस्टाइन वर्ड देखिए मैंने क्या बोला, एक सेंटेंस में लिख देता हूं यहां पे, आई नीड अ प्रिस्टाइन वाइट शर्ट। जितना ज्यादा सेंटेंसेस में एक वर्ड को यूज करोगे वो जिंदगी में कभी आपके दिमाग से नहीं निकल सकता। हिंदी के हजारों शब्द आपके दिमाग में क्यों, क्योंकि यूज किए थे। इंग्लिश के क्यों नहीं, क्योंकि यूज ही नहीं करते, यूज करेंगे और सीखेंगे। पहला वर्ड आपके दिमाग में डाला बेटा, तीन वर्ड है, क्विक होके एक बार रिकैप ले लो जल्दी से। इमैक्युलेट का मतलब साफ सुथरा और एक ऐसा जिसमें कोई कमी नहीं है, अनसलिड और प्रिस्टाइन, इसके दोनों सिनोनिम हो गए। मैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलता हूं, बड़े ध्यान से देखें इन सेंटेंसेस को, आप वीडियो को पॉज करके इनको लिखिए, अच्छे से अपनी नोटबुक का हिस्सा बनाइए और बढ़ते चलें। मैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ आऊंगा बेटा, ये भी वर्ड इतना ही कीमती है आपके लिए, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आपको करना क्या है, एक बात और है कि आप जब जितने भी वर्ड्स को सीख रहे हैं आप इन सभी वर्ड्स के आधार पर एक एक सेंटेंस लिख के मुझे कमेंट में डाल दीजिए, जिससे मैं कम से कम ये देख पाऊं कि आप में से कितने व्यक्तियों को ये चीजें समझ में आ गई। मैं अगला वर्ड आपके सामने लेके आता हूं, बड़े ध्यान से देखो। बेटा नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सेंटिमोनियस, अच्छा वर्ड है, बड़े ध्यान से सुनना। मैं सेंटिमोनियस का इसको पढ़ाऊं इससे पहले भी एक बात बता दूं, किसी भी शब्द के लास्ट में जब आप आउस लगाते हो तो वो शब्द एक एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव का रूप ले लेता है। जब मैंने इसके सामने एडजेक्टिव लिखा तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए इसका मतलब ये शब्द भी आसपास के व्यक्ति और चीजों की विशेषता ही दिखाएगा, सेंटिमोनियस। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका सुनिए, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो दूसरों से राय लेते नहीं, मतलब दूसरों से सजेशन लेते नहीं बल्कि उनको देते जरूर हैं। अगर कोई व्यक्ति उनको सजेशन देने लगे तो वो उनको बेवकूफ समझता है, वो कहता है यार बता, ये मुझे सलाह दे रहा है, ये मुझे सलाह दे रहा है, मेरा लेवल क्या और इसका लेवल क्या है। कुछ ऐसे लोग आपने अपने जीवन में जरूर देखे होंगे जो अपने आप को दूसरों से नैतिकता के आधार पर, मॉरल एक वैल्यू के आधार पर बेहतर समझते हैं, अपने को बेहतर समझने वाले
ज्ञान के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, ऐसे लोगों को जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं, ऐसे लोगों को इंग्लिश में सेंक्टिमोनियस कहते हैं, सेंक्टिमोनियस। अब आप मुझे खुद देखिए सेंक्टिमोनियस का कैसे यूज करेंगे, आप देखिए जरा यहां पर। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, मेरा एक मित्र है, वो मित्र हमेशा अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है, ये बात सच है। और देखिए मैं उस मित्र के बारे में एक छोटा सा सेंटेंस बोलता हूं, बड़े ध्यान से देखना। माय फ्रेंड, एक सेंटेंस यूज करना जरूर आना चाहिए ना बेटा, लिखना जरूर आना चाहिए। माय फ्रेंड इज, आप भी ऐसे मुझे लिख के देंगे सारे के सारे, सेंक्टिमोनियस। माय फ्रेंड इज सेंक्टिमोनियस, इसका मतलब मेरा जो मित्र है वो कैसा है, जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है। अच्छा एक चीज बताइए, क्या ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए? आप कहेंगे नहीं होना चाहिए। भाई क्या एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो हमेशा अपने आप को दूसरों से बेहतर समझे? ये एक आदमी के अंदर एक नेगेटिव क्वालिटी है, ऐसा तो कम से कम एक इंसान को नहीं होना चाहिए। अब एक सेंटेंस का रूप देता हूं, उसको बड़े ध्यान से देखिए। सलाह दिखाने का वर्ड होता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शुड। कुछ भी करना चाहिए तो शुड लगा दो, और कुछ भी नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट लगा दो। जब हम हर किसी व्यक्ति के बारे में बोलना चाहें तो एक बहुत प्यारा वर्ड है वन। वन लगा दो सबकी बात हो जाएगी। तो देखिए मैंने क्या कहा, वन शुड नॉट बी। इस बी पे ध्यान दीजिए, ये बी इसकी ही फॉर्म है। जितने भी हमारे मॉडल्स, इनको मॉडल्स कहते हैं बेटा, ये अलग से फीलिंग डालते हैं सेंटेंस में, जैसे शुड सलाह देने की फीलिंग डालता है। तो ऐसे मॉडल्स के साथ वर्ब चाहिए थी, मेरे पास वर्ब नहीं थी तो मैंने उठा के क्या किया, जब एडजेक्टिव्स का यूज करें वर्ब ना हो तो बी लगा दो, सबसे बेहतर ऑप्शन होता है ये बताने के लिए कैसा है, कैसा था, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, बी लगाइए ना। सो देखिए मैंने क्या कहा, वन शुड नॉट बी सेंक्टिमोनियस, वन शुड नॉट बी सेंक्टिमोनियस, इसका मतलब एक व्यक्ति को सेंक्टिमोनियस नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं सेंक्टिमोनियस का मतलब समझ में आया होगा, कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है नैतिकता के आधार पर। बेटा जी उम्मीद करता हूं आप क्लियर करेंगे, सन्नेस जरूर बताएंगे। इसके सिनोनिम को जल्दी से लिख लीजिए, दो सिनोनिम होंगे, यहीं पे वीडियो को रोक के लिख लेना। पहला वर्ड मैं आपके सामने लेके आता हूं, इसको देखिए स्मग, और दूसरा इसी के जैसा कंपेसेंट, कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट वर्ड होता है बेटे, एक वर्ड होता है स्मग और एक होता है कंप्लेसेंट, दोनों का मीनिंग सेम है, यानी कि आप चाहो तो स्मग लगा दो और चाहो तो कंप्लेसेंट लगा दो। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कंप्लेसेंट की जगह स्मग और स्मग की जगह आप कंप्लेसेंट जैसे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। क्या होता है, जब जीवन में कोई व्यक्ति कुछ अचीव करता है तो अचीव करने के बाद उसके मन में कई बार एक ईगो पैदा होती है, और ईगो भी कैसी, ऐसी ईगो कि वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है और तुलना करने के बाद ये फील करता है कि यार ये जो नॉलेज मेरे पास है इतनी तो किसी के पास है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, जब इतनी नॉलेज इन सबके पास नहीं है तो मैं मेहनत क्यों करूं, मुझे मेहनत करने का जरूरत नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी अचीवमेंट्स यानी कि जो उसने प्राप्त किया है उसके आधार पर ये फील करना शुरू कर दे कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, ऐसे लोगों को हम स्मग कहते हैं और कंप्लेसेंट कहते हैं। तो मैं एक बार फिर कहता हूं कि एक व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने कैसे लिखा, इसी को हम बेटा वन की जगह एक और बोर्ड से बोल सकते हैं, अ पर्सन, बेटे वन की जगह लगा सकते हो आप, अ पर्सन शुड नॉट बी कंप्लेसेंट, अ पर्सन शुड नॉट बी कंप्लेसेंट। उम्मीद करता हूं ये तीनों वर्ड भी आपके दिमाग में डल गए होंगे। अगले की तरफ आता हूं बेटा, इसको देखना समझना। आज मैंने आपको अच्छे अच्छे वर्ड बताए, एक वर्ड मैंने बताया आपको कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपको अपने आप को नैतिकता यानी नॉलेज के आधार पर, बेहतर होने के आधार पर दूसरों से बेहतर मानता हो, अपने आप को अच्छा समझता हो, ऐसे लोगों की विशेषता, ये उनकी विशेषता ही है, उसके लिए आपको मैंने वर्ड बताया। एक मैंने वर्ड बताया आपको कि कुछ भी ऐसा जो साफ सुथरा है, बिल्कुल क्लीन है, या फिर कुछ भी ऐसा जो फॉल्टलेस है, जिसमें कमी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपके सामने मैं नेक्स्ट वर्ड लेके आऊं, जस ये बिल्कुल एक वर्ड पढ़ेंगे बेटा अगला, टर्मिनल। एक वर्ड होता है इंग्लिश में टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है, यह भी विशेषता है बेटा। ज्यादातर अच्छे, देखिए बेटे दो तरीके के वर्ड्स अपने इंग्लिश में डाल दो आप, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, इससे आपका राइटिंग सेक्शन बहुत सुंदर हो जाएगा। ऐसे ऐसे शब्द आपके दिमाग में डलेंगे जो सामने वाला पढ़ेगा तो लगेगा यार कितना कितना पढ़ा हुआ आदमी, यार ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको, मतलब जो रीडिंग करते हैं ज्यादा, उसको एरुडाइट कहते हैं। कहेंगे यार कितना एरुडाइट पर्सन है, कितना इसका वोकैबुलरी का वास्ट नॉलेज है,
बड़े ध्यान से देखिए, टर्मिनल एक शब्द आता है। टर्मिनल का मतलब कुछ भी ऐसा जो जानलेवा है, जैसे कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस जिससे इस वर्ल्ड को, जो इस समय इस वर्ल्ड जिस वायरस से पूरा वर्ल्ड पीड़ित है, अगर मैं उस वायरस की बात करूं तो इसलिए पीड़ित है क्योंकि उससे जान जा रही है लोगों की। आज ही के आंकड़े में देख रहा था, 1,26,000 व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना वायरस से। इसका मतलब ये जो वायरस है वो जानलेवा है, और कुछ भी ऐसा जो आपकी जान ले सकता हो, तो ऐसी चीजों को हम घातक कहते हैं, जानलेवा कहते हैं। और जिसे हिंदी में आप घातक जानलेवा कहते हो, उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं टर्मिनल। ये कोई बीमारी भी हो सकती है बेटा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलता हूं, बड़े ध्यान से देखना। कैंसर इज अ टर्मिनल डिजीज। कैंसर एक टर्मिनल डिजीज है। इसका मतलब कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सामने वाले व्यक्ति की जान ले सकता है। तो जो भी चीज जानलेवा होती है बेटा, उसको हम इंग्लिश में टर्मिनल कहते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहीं पे दूं तो देखिए क्या कहते हैं, COVID-19 इज टर्मिनल। यानी कि COVID-19 इज टर्मिनल। मैं इसकी मदद से COVID-19 के बारे में बता रहा हूं कि COVID-19 है कैसा। तो जो भी चीजें जान ले सकती हैं उसको हम टर्मिनल कहते हैं। मैं चाहता हूं कि इसके जैसा एक वर्ड आपके दिमाग में और आ जाए, एक या दो, एक वर्ड और देखते हैं जो जानलेवा होता है बेटा, इसी के जैसा। फेटल आ गया बेटे मेरे पास, एक लीथल आ गया। फेटल और लीथली दो ही याद कर लो बेटे, ज्यादा ज्यादा याद नहीं करने, याद रख भी नहीं पाओगे, उतना ही रखो जितना याद कर सकते हो। टर्मिनल कह दो, फेटल कह दो, लीथल कह दो, ये सारे के सारे शब्दों का मतलब जानलेवा। एक सेंटेंस और आपके दिमाग में देता हूं, देखिए क्या आता है। शी मैट विद, बेटे अगर मीट के बाद विद लगा दे तो इसका मतलब किसी बुरे अनुभव को लेना होता है। अगर मीट के बाद विद लगा दे तो उसका मतलब कोई बुरा अनुभव लेना होता है। तो शी मैट विद अ फेटल एक्सीडेंट, यानी कि उसकी कैसी दुर्घटना हुई, जानलेवा दुर्घटना हो गई। तो फेटल का मतलब एक्सीडेंट ऐसा था जो जानलेवा था। तो शी मेट विद अ फेटल एक्सीडेंट। अब मैं उम्मीद करता हूं फेटल, लिथल और आपके सामने टर्मिनल, ये तीनों शब्द आपके दिमाग में, तीन तीन वर्ड देता जा रहा हूं, ये तीनों वर्ड भी आपके दिमाग में आ गए होंगे। मैं अगले वर्ड की तरफ आता हूं बेटा, नेक्स्ट वर्ड करूंगा। वीडियो को रोक के ना बेटा उसके साथ लिखते रहना, और कमेंट में मुझे वर्ड्स बना के सेंटेंस में डाल के जरूर देने बेटे। आगे की तरफ देखो, जितना होमवर्क करोगे ना बेटा आप उतना ही सीखोगे। सर ने पढ़ा दिया पर आपने उसको अप्लाई नहीं किया, बेटा जी क्या फायदा है ऐसे सीखने का भी। आपको ये वीडियोस मजे के लिए नहीं लेनी है बेटा, आपको तो इन वीडियोस से बहुत सीखना है। आपके सर का सम्मान तो तभी बढ़ेगा ना जब आपका कद बढ़ेगा। कहते हैं एक टीचर का कद हमेशा उसके स्टूडेंट्स से ही नापा जाता है। जितने लेवल पर उसके स्टूडेंट्स खड़े हैं उसी लेवल पर उसके सर का भी लेवल बनता ही है, तो बात सच है। मैं अगला वर्ड आपके सामने जो लेके आता हूं बेटा, देखिएगा, एस्ट्यूट। अच्छी बात यह है कि ये शब्द भी आपका एक एजेटिव है, यानी कि ये शब्द जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति और चीजों की विशेषता दिखाता है। एस्ट्यूट बताता हूं जी बेटा, ध्यान से देखो। आपने अपने जीवन में एक एक मीनिंग में समझोगे बेटे, आपने अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति जरूर देखे होंगे जो चीजों को समझने में, यानी कि सिचुएशंस को समझने में सेकंड्स भी नहीं लगाते, बहुत सरल और बहुत जल्दी चीजों को समझ लेते हैं। बात खत्म नहीं हुई, चीजों को अच्छे से समझकर सही डिसीजंस लेने की जो ताकत क्षमता किसी व्यक्ति में होती है, ऐसे लोग जो चीजों को जल्दी से समझकर और अच्छे निर्णय ले पाते हैं, ऐसे लोगों को इंग्लिश में हम एस्ट्यूट कहते हैं। यानी कि एस्ट्यूट एक बुद्धिमानी व्यक्ति होता है, एक ऐसा व्यक्ति जैसे आप वाइज कहते हैं, पर इसमें थोड़ा सा गहनता है, इसमें थोड़ी गहराई है इस शब्द के अंदर। ये एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को जल्दी से समझकर वो सही डिसीजंस लेने की क्षमता रखता है, ऐसे लोगों को एस्ट्यूट कहते हैं। अब एस्ट्यूट का एक सेंटेंस देखिए, क्या सच में एक बिजनेसमैन, मैं यहां पे देखिए एक सेंटेंस लेके आऊंगा बेटा, क्या एक बिजनेस को मैन को एस्ट्यूट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अगर एक बिजनेसमैन नहीं पकड़ पाएगा सिचुएशंस को, समझ नहीं पाएगा और डिसीजंस नहीं ले पाएगा, तो उसका व्यवसाय समाप्त होना तय है। तो देखिए एक सेंटेंस मैं आपके सामने बोलता हूं बेटे, अ बिजनेस मैन, अ बिजनेस मैन शुड, बेटा वो सलाह वाला वर्ड आ गया, शुड बी एस्ट्यूट। अ बिजनेस मैन शुड बी एस्ट्यूट, यानी कि एक बिजनेस मैन कैसा होना चाहिए, एस्ट्यूट होना चाहिए।
सुना आपने एस्ट्यूट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को जल्दी से समझ को राइट डिसीजंस ले पाता है, ऐसे लोगों को हम एस्ट्यूट कहते हैं। तो अ बिजनेसमैन शुड बी एस्ट्यूट, जो पैसा इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टर्स होते हैं शेयर मार्केट में, वो लोगों का एस्ट्यूट होना बहुत जरूरी है। वहां तो सेकंड्स में चीजें बदल जाती हैं, तो ऐसे लोग एस्ट्यूट होने चाहिए, नहीं तो बहुत घाटा खा बैठते हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले व्यक्ति। तो ऐसे लोग क्या होने चाहिए बेटा, एस्ट्यूट। अब देखो, जो यहां से स्ट्रांग होते हैं और जल्दी से डिसीजन ले पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए और भी पास मेरे पास वर्ड है। मैं चाहता हूं कि फिर आप दोबारा से सिनोनिम पे आ जाएं और सिनोनिम में देखिए क्या लिखते हैं। हम एक वर्ड लेके आएंगे बेटा, शार्प विटेड। एक वर्ड होता है बेटे शार्प विटेड। शार्प विटेड का मतलब होता है तेज बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, शार्प विटेड होता है। एक वर्ड और होता है, अच्छा वर्ड है, यस, पीकेशियस। एक वर्ड होता है इंग्लिश में परस्पिकेशियस, बेटा इसमें पी आई होता है, परस्पिकेशियस, PERS आएगा, परस्पिकेशियस। ये है बेटा इसका स्पेलिंग, एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूं। परस्पिकेशियस बड़ा प्यारा वर्ड है ये, हाल ही में सीजीएल के अंदर भी ये वर्ड आया था, परस्पिकेशियस का मीनिंग बताएं। तो परस्पिकेशियस का मतलब भी वही होता है जो बुद्धि से बहुत स्ट्रांग होता है। शार्प विटेड कह दो, परस्पिकेशियस कह दो, एस्ट्यूट कह दो, तीनों का मतलब सेम होता है, यहां से स्ट्रांग और जल्दी डिसीजन लेने वाले लोग। जैसे मेरे पिताजी ऐसे हैं, वो चीजों को समझ के बहुत रही सही डिसीजन लेते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस देखी कैसे लिखा, माई फादर, उनकी विशेषता दिखा रहा हूं बेटा, माई फादर इज परस्पिकेशियस, माई फादर इज परस्पिकेशियस, यानी कि मेरे पिताजी एक बहुत शार्प विटेड पर्सन है और अच्छे डिसीजन लेने की ताकत रखते हैं, इसलिए मैंने उनको बोला परस्पिकेशियस। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। राइट, नेक्स्ट वर्ड की तरफ आता हूँ परस्पिकेशियस के बाद। ज्यादा नहीं बेटा, दिन के इतने वर्ड देंगे कि 15, 16, 20 वर्ड जिन्हें आप बहुत आसानी से याद कर पाए। वीडियोज और भी डलेंगी डेली, कई सारी वीडियोज डलेंगी, उन सबका फायदा उठाते चले, इस मेहनत का भी रंग दिखाएं हम जो कर रहे हैं आपके साथ। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें बेटा, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे सामने वाला व्यक्ति उतना ही इसका फायदा उठाएगा। और बेटा ज्ञान बांटने से चीजें बढ़ती हैं घटती नहीं है। अगला वर्ड मैं आपके सामने एक वर्ड लेके आता हूं बेटा, ध्यान से देखो, एस्पर्शंस। एस्पर्शंस का अगर मैं मीनिंग बताऊं तो बेटा ये हमारा नाउन होता है, एस्पर्शंस होता है नाउन। नाउन से मेरा मतलब क्या है जरा ध्यान से सुनो, किसी भी चीज का नाम जो होता है वो नाउन होता है। जैसे देखिए, मैं जिस चीज से लिख रहा हूं आपके बोर्ड पे, वो चीज मेरे पास जो है वो है एक मार्कर। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्कर तो इस चीज का नाम है, ऐसे एस्पर्शंस भी एक नाउन होता है। और इस नाउन का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है आरोप। जब किसी भी व्यक्ति पर आरोप जो लगाए जाते हैं, तो उन आरोपों को, जिसे आप ब्लेम्स कहते हैं, पता नहीं क्या क्या शब्द आपने यूज किए हैं, पर अच्छे वर्ड आपको बता रहा हूं कि जो भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप होता है, उस आरोप को इंग्लिश में एस्पर्सन कहते हैं। ये इसका प्लोरल फॉर्म होता है बेटे। आरोप को इंग्लिश में एस्पर्सन कहते हैं, पर आरोप लगाने को इंग्लिश में कास्ट एस्पर्सन कहते हैं। तो मैं एक वर्ड दिखा रहा हूं बेटे कैसे यूज करेंगे, कास्ट एस्पर्सन ऑन। किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने को इंग्लिश में कास्ट एस्पर्सन्स ऑन होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर यहां पर देखें, तो जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपने देखा होगा एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे आरोप तो लगाती ही है। वो क्या करती है कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये आरोपों को इंग्लिश में हम एस्पर्सन्स कहते हैं और लगाने को इंग्लिश में कास्ट कहते हैं। तो देखिए मैंने क्या बोला, वन पार्टी, कोई भी एक पार्टी आगे बेटा, इसमें वन पार्टी casts as persons on the या on others, on others या other parties, on other parties। एक पार्टी दूसरी पार्टीज के ऊपर क्या करती है, आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है। तो वन पार्टी कास्ट्स एस्पर्सन्स ऑन अदर पार्टीज, एक पार्टी दूसरी पार्टीज के ऊपर आरोप लगाती है। तो आरोपों को इंग्लिश में एस्पर्सन्स कहते हैं, उनको लगाना कास्ट होता है बेटा।
जिसमें किसी के बारे में आलोचना की गई है, किसी के बारे में भला बुरा बोला गया है, ऐसे आरोपों को इंग्लिश में एस्पर्सन्स कहते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आपके सामने एक और वर्ड मैं ऐसा दूं जो आपके आरोपों को ही दिखाता है, यानी कि कुछ ऐसे शब्दों को लेकर आता है जो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के अंदर ही आते हैं इंग्लिश में। जैसे देखिए बेटा, एक वर्ड देखें, विलिफिकेशन। एक वर्ड और देखें, फ्लैक। एक वर्ड है विलिफिकेशन और एक वर्ड है हमारे पास फ्लैक। एक विलिफिकेशन है तो बेटा एक फ्लैक है। विलिफिकेशन एक ऐसी स्पीच जो गाली गलोच या मतलब आरोपों के जैसे झड़ी लगा देने वाले शब्दों से भरी पड़ी हो। एक ऐसी स्पीच जिसके अंदर किसी की आलोचना करने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसी स्पीच को इंग्लिश में वेलिफिकेशन कहते हैं, विलिफिकेशन कहते हैं। अगर मैं इसके सामने दूसरा देखूं तो यहीं पे हमारे पास वर्ड होता है फ्लैक। फ्लैक का मतलब जिसमें स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, एक आप पार्टी के एक हमारे उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, उनसे एक टीपी रिपोर्टर ने पूछा कि आपके ऊपर आरोप लगे हैं, तो उन्होंने तुरंत उसको जवाब दिया, उस रिपोर्टर को कहा कि आई एम ऑलवेज रेडी फॉर एनी फ्लैक। मैं हमेशा किसी भी आरोप के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर एनी फ्लैक। तो फ्लैक का मतलब बेटे आरोप प्रत्यारोप होते, तो मैं किसी भी आरोप प्रत्यारोप के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। मैंने आपके सामने जो वर्ड्स आज डिस्कस किए वो एक एक करके मैं दोबारा से बोलता हूं। सबसे पहला वर्ड मैंने जो आपके सामने डिस्कस किया वो वर्ड था हमारे पास इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब साफ सुथरा होता है। और दूसरा वर्ड मैंने जो आपके सामने शुरू किया उसमें यूज करा इमैक्युलेट के बाद सेंक्टिमोनियस वर्ड हमने यूज किया। उसके बाद हमने टर्मिनल शब्द को पढ़ा। टर्मिनल के बाद एक बिल्कुल टर्मिनल का मतलब जो जानलेवा होता है ना। तो टर्मिनल के बाद हमने अगला वर्ड एस्ट्यूट पढ़ा है और एस्ट्यूट के बाद अगला वर्ड हमने पढ़ा एस्पर्सन्स। ये पांच शब्द पढ़े पर पांच के तीन तीन करके सिनोनिम्स के साथ बने तो 15 से 20 वर्ड हमारे पास आ गए। इन 15 से 20 वर्ड को आप यूज करके मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी छोटी वीडियोज आपको फायदा दे रही होंगी। इन वीडियोज से कितना फायदा मिल रहा है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर नीचे बताएं। धन्यवाद। थैंक यू।